सुन कपिते मानस जिय ना, सुन कपिते मानस जिय ना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, मम प्रिय लक्ष्मण ते समदर्शी मोहि कह सब को, समदर्शी मोहे कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, एक बात आज याद कर लो। भगवान राम जी कहते हैं कि मुझे सब लोग समान दृष्टि वाला कहते हैं, मेरी सब पर समान दृष्टि है, परंतु एक भेद है कि जो सेवक केवल मेरे ही भरोसे रहता है वो मुझे सबसे प्यारा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोय भाई, ये सारा संसार मैंने उत्पन्न किया है और मुझे सब प्यारे हैं, कीट पतंग पशु पक्षी तक, परंतु इन सब में मनुष्य प्यारा है, क्योंकि मनुष्य में भजन करने का ज्ञान है। तीन माह द्विज द्विज माह श्रुतिधारी, तीन माह निगम धर्म अनुसारी, और तीन ते पुन मोय प्रिय निज दासा। मनुष्यों में भी ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी अग्निहोत्री ब्राह्मण, अग्निहोत्री में भी जो वेद को जानने वाले ब्राह्मण है वो, परंतु उन सबसे प्यारा मुझे मेरा दास है, जिसे मुझे छोड़कर किसी की आशा नहीं है। आप कहोगे हम रोज हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान जी हमारी सुनते ही नहीं, क्यों? किसकी नहीं सुनेंगे हनुमान जी? बता दें कि एक घंटे पहले हनुमान जी से मांगा और जाकर के श्मशान पर भूत प्रेत से मांग लिया तो हनुमान जी नहीं सुनेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी दूसरे को प्रणाम मत करो, लेकिन एकमात्र हनुमान जी को अपना समझो तो हनुमान जी तुम्हारी निश्चित सुनेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि नहीं सुन सकते, पर हम बदल जाते हैं। यहां हनुमान जी से मांगा, हनुमान जी के नीचे कोई शनि मिल गया तो उससे भी मांग लेते हैं, और आजकल तो हनुमान जी के मंदिर के पास में ही शनि को बिठा देते हैं, बोलो जैसे तरह, और फिर कहते हैं हनुमान जी नहीं सुन रहा है, शनि सुन रहा है। राम जी ने यही हनुमान जी से कहा था कि सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, अनन्यता लाओ, प्रणाम शनि को भी करो, प्रणाम दुर्गा को भी करो, लेकिन हमें तो देने वाला केवल हमारा हनुमान है, दूसरा हमें किसी से चाहिए ही नहीं, अगर दे भी तो नहीं चाहिए, देगा तो हमारा ही मालिक देगा, दूसरे से हमको नहीं लेना। एक ही साध है सब सध है, सब साध है सब जाए, और एक वर्ष इस नियम को करके देख लो और हमारा नंबर ले लेना। आगे बढ़ो तो जय हनुमान बोल देना, और पीछे बढ़ो तो हमसे कह देना महाराज जी तुम झूठे हो, बुला चैलेंज है, पर सिवाय राम जी हनुमान जी के किसी से कामना मत करना। तब वो सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं। अपने पिता को पिता मत कहो, दूसरे के पीछे बाबूजी कह के लगे रहो क्या होगा, डोलते रहो, वो तुम्हें सर्विस दे देगा,
पर कोई भी दूसरा बाबूजी अपना मकान, अपनी संपत्ति, अपना धन दे करके तुम्हें नहीं जाएगा। चाहे तुम कितने भी नालायक हो, पर तुम्हारा पिता ही तुमको अपनी संपत्ति दे करके जाएगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा। इसलिए अपने ठाकुर को मत भूलो। और हम बड़ी जल्दी दूसरों की बातों में आकर के रोज ठाकुर बदल रहे हैं, नित्य प्रति। और फिर कहते हैं परमात्मा सुनता नहीं। कैसे नहीं सुनता है? जो एक के पीछे लगे हुए हैं वो आज भी किसी से पीछे नहीं है। तो राम जी कहते हैं हनुमान, ऐसा नहीं कि मैं तुझे नहीं पहचाना। हनुमान जी ने भी अपना ब्राह्मण का भेष त्याग दिया और दोनों अपने हृदय से लग गए। फिर हनुमान जी कहते हैं पर्वत शिखर पर साधु का काम है कि अकेले नहीं खाता है, दूसरों पर भी दया कराता है। बोले सुग्रीव रहता है महाराज, और पहचान गए कि मेरे स्वामी सुग्रीव से ही मिलने आए हैं। नाथ सैल पर कपिपत रही सो सुग्रीव दास तब आही। नाथ सैल पर कपिपत रही सो सुग्रीव दास तब आही। ईशन नाथ मयात्री की जय, ईशन नाथ मयात्री की जय। दीन जानते ही अभय करी जय, दीन जानते ही अभय करी जय, दीन जानते ही अभय करी जय। महाराज पर्वत शिखर पर वानर राज सुग्रीव रहता है, चल के उससे मित्रता करो और उसे दीन जान के अभय प्रदान कर दो, वो अपने भाई से व्यथित है। राम जी बोले चलो। बोले अब तक आप पैदल डोले वो तो अच्छा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अभी तक आप अपने अकेले में डोल रहे थे, अब तो आपका सेवक हनुमान आपके सामने है। एक पुत्र पर गाड़ी हो और यदि उसका बेट पिता पैदल डोले तो धिक्कार है उस पुत्र के लिए। एक शिष्य पर गाड़ी हो और यदि उसका गुरु पैदल डोले तो हनुमान जी ने देखा अभी तक आप कठिन भूमि कोमल पद, जो भी भक्त होगा वो अपने स्वामी के दुख को दे देता है। भरत जी क्या कहते हैं, लखन राम सिय बिन पग पनहि, कर मुन वेश फिरहि बन बनहि। राम जी पैदल डोल रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। और हनुमान जी ने भी पहला शब्द कहा था कि कठिन भूमि कोमल पद, इसलिए महाराज आप पैदल नहीं चलोगे, अब मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बिठार करके हनुमंत लाल जी एक क्षण में पर्वत शिखर पर चढ़े। लिए दो जन पीठ चढ़ाई, और इसीलिए भक्त की सारी क्रियाएं भगवान को समर्पित होती है। संसार के जितने भी देवी देवताएं सबके पास वाहन है, परंतु हनुमान जी बोले मैं तो स्वयं राम का वाहन बनूंगा, अपने लिए किसी वाहन की मुझे इच्छा ही नहीं। और सुग्रीव के पास जाकर के अग्नि को साक्षी करके मित्रता करा दी। भगवान राम जी कहते हैं सच्चा मित्र वो है जो अपने मित्र के गुणों को प्रकट करे, दुर्गुणों को छुपा दे। हनुमान जी ने यही तो किया था कि राम जी से सुग्रीव का एक भी दुर्गुण नहीं बताया कि सुग्रीव डरपोक है, सुग्रीव कामी है, सुग्रीव लालची है, एक भी दुर्गुण नहीं बताया। केवल कहा था कि आपका दास है।
राम जी पीछे उस बात को कह रहे हैं कि सच्चा मित्र वो है जो मित्र के दुर्गुण छुपा ले, गुणों को प्रकट करे और अपने दुख को भूल जाए और मित्र के दुख का निवारण पहले करे। जय श्री राम। सुग्रीव का दुख था कि उसकी पत्नी को उसके भाई ने छीन लिया था, और राम जी का दुख था कि उनकी पत्नी का पता ही नहीं था कहां है, हरण हो गया। तो राम जी ने सुग्रीव से कहा, सीता सुध का कार्य पीछे होगा, पहले तू हमारा मित्र बना है, हम तेरा दुख मिटाएंगे। बोले चलो बाली के पास युद्ध करने। बोले महाराज बाली बहुत बलवान है, जो ये सात ताड़ के पेड़ खड़े हैं दुंदुभी राक्षस की हड्डी से बने हुए और ये विपरीत दिशा में खड़े हैं, एक ही बाण से इनको डहा देगा, वही बाली को मार सकता है। भगवान राम जी ने सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए एक बाण से सातों वृक्षों को डहा। सुग्रीव युद्ध करने के लिए गया, बाली को ललकारा, बाली आ गया और युद्ध हुआ और बाली ने एक मुक्का कस के मारा सुग्रीव की पीठ में, रीढ़ की हड्डी टूट गई। दुखी होके आया, बोले महाराज मैं तो आपके बल पर बाली से लड़ने आया था और आप खड़े खड़े हंसते रहे, मेरी हड्डी टूट गई, पर राम जी ने बाली को क्यों नहीं मारा पहली बार में? कि जब युद्ध करने जा रहे थे तो सुग्रीव ने झूठा वैराग्य दिखलाया, और आज भी बहुत से लोग हृदय में कुछ और होता है और बाहर आकर के झूठा वैराग्य दिखलाते हैं। सुग्रीव ने राम जी से कहा, महाराज मैं लड़ने तो चल रहा हूं पर बाली मेरा शत्रु नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विशारा। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम बाली मेरा बहुत हितैषी है। कैसे भैया? बोले यदि बाली मुझे मार के नहीं निकालता तो आप नहीं मिलते। इसे कहते हैं झूठा वैराग्य, कि मन में तो राज्य की इच्छा और राम जी से कह रहा है बाली बड़ा हितैषी है, बाली ने मुझे मार के निकाल दिया तो आप मिल गए। राम जी बोले अच्छा अब हम बाली को मार देंगे तो सारा संसार हमको ही कलंक देगा, कि देखो सुग्रीव तो कह रहा था बाली हितैषी है और राम जी ने जबरदस्ती बाली को मार दिया, इसलिए खड़े खड़े हंसते रहे। बोले नहीं मार रहे बाली को। जब रोता हुआ आया, कमर टूट गई, बोले क्या हुआ? बोले मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, और बंधु न हो मोर यह कहा। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ये मेरा भाई नहीं है। भाई नहीं है तो कौन है? बोले ये मेरा काल है। बोले अभी थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था कि बाली बड़ा हितैषी है जिसकी कृपा से आप मिल गए, अब एक बात बोल। बोले नहीं नहीं भाई नहीं है, काल है। तो बोले मित्र के काल को अभी समाप्त करते। पीठ पर हाथ पेरा, हड्डी जुड़ गई। बोले हम तुमको पहचाने नहीं, दोनों एक से लगते हो, लो हमारी माला पहन जाओ, आपके बाली को मार। दूसरे युद्ध में एक क्षण में जब सुग्रीव थका दिखा, भगवान ने सरसंधान किया, बाली के हृदय में लगा, बाली गिर गया वृक्ष। और देखो जो धर्म नहीं जानते हैं वही धर्म की परिभाषा सिखाते हैं। बाली राम जी से क्या कहता है कि धर्म है तू अब तरे उबसाई, हमारे मोहे व्याध की। आपका अवतार धर्म की रक्षा को हुआ है, आपने पेड़ के पीछे छुप के मुझे क्यों मारा?
जो धर्म नहीं जानता है वही धर्म की, हमारे पास बड़े बड़े लोग आते हैं महाराज जी आपको पता है हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, हम बोले राम राम माला रगड़ते रगड़ते तो हम सफेद हो गए, अभी हमारे ये दो ही नेत्र ठीक से नहीं खुले, तुम्हारा तीसरा खुल जाता है। एक दो आते हैं महाराज जी दुर्गा जी हमसे साक्षात बतलाती है, ठीक भाई। तो आज बाली धर्म सिखा रहा है किसे, जिसका अवतार ही धर्म की रक्षा को हुआ है। बोले धर्म है तो अवतरे उषाई मारे मोहि व्याध की नहीं। भगवान बोले सुन मेरा सबसे बड़ा धर्म है कि मैं इस पूरे संसार का राजा हूं और राजा का कर्तव्य अन्याय का वध करना है। बोले मैंने क्या अन्याय किया, बोले तैने धर्म की हानि की। अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समये चारी। अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समये चारी। इनही कुदृष्ट बिलो कई जोई इनही कुदृष्ट बिलो कई जोई इनही कुदृष्ट बिलो के जोई इनही कुदृष्ट बिलो कई जोई ताही बधे कछु पाप न होई ताही बधे कछु पाप जो छोटे भाई की पत्नी कन्या बहन और पुत्री ये चारों एक समान होती है, पुत्री के समान होती है। इन्हें खोटी दृष्टि से देखे उसे मारने में कोई पाप नहीं है क्योंकि वो अधर्मी है। तैने सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक अपने यहां रखा है। बोले महाराज हम तो बंदर हैं और हम में ये सब चलता है, कोई अधर्म नहीं है। बोले अच्छा तो सुन सबसे बड़ा धर्म है शरणागत की रक्षा करना। शरणागत कह जे तजे निज अनहित अनुमान तेनर पामर पाप में तिने बिलो कथा। कर्ण ने दुर्योधन को शरणागत के कारण पांडवों से युद्ध किया, जान करके भी पता लग गया कि पांडव मेरे भाई हैं, पर दुर्योधन शरणागत था। इसी प्रकार राम जी कहते हैं कि सुग्रीव मेरी शरण में आया है और शरणागत की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। बाली बोला महाराज मेरे पास आते तो मैं भी आपकी शरण में आ जाता। भगवान बोले झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, तू हमारी शरण में आना ही नहीं चाहता था। बोले कैसे, बोले जब तेरी पत्नी ने तेरे पैर पकड़ के तुझे समझाया था कि सुन पति जी नहीं मिले उसो ग्रीवा ते दो बंधु तेज बल सीवा। पति जी नहीं मिले उसो ग्रीवा कौशलेशुत लक्ष्मण रामा को कौशलेशुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सतई संग्रामा कालहु जीत सतई संग्रामा कालहु जीत सतई जब तेरी पत्नी ने तुझे समझाया कि राम जी से लड़ने मत जा सुग्रीव राम जी से मिल गया है तो तैने उसके कहे को नहीं माना, तू तो मेरी शरण में आना ही नहीं चाहता था, तुझे अपने बल का अभिमान था। अब बाली समझ गया कि जिस समय पत्नी ने समझाया उस समय मेरे और पत्नी के सिवाय कोई नहीं था, इनको कैसे पता लग गया। जिस कक्ष में पत्नी ने पैर पकड़ के बाली को समझाया था वहां सिवाय बाली और पत्नी के कोई नहीं था और बाली और उसकी पत्नी के बीच की बात मेरे अंतर्यामी श्री राघव को पता लग गया।
तब बाली ने हार मानी। सुनहु राम स्वामी सुभग चल न चातुरी मोर, और प्रभु अजहु में पाप की अंत काल। बोले आपके सामने मेरी चतुरता नहीं चल सकती है, पर एक बात सुनिए, आप मुझे बार बार पापी कह रहे हैं, पर जब आप मेरे सामने आ गए मैं प्राण त्याग रहा हूं तो क्या अभी भी पापी हूं? इतना सुनते ही तो करुणा वरुणा लय की करुणा बरस गई। बाली के सिर पे हाथ फेरा, बोले मैं तुझे अमर किए देता हूं। अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। अचल करो तने राखहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। सीताराम मैं तुझे अमर करता हूं, तू प्राण रख। बोले नहीं, वो तो बड़ा सरल सौदा हो जाएगा। मरते समय आपका नाम मुंह पर आता है तो पापी से पापी की मुक्ति हो जाती है, और आज मैं प्राण त्याग रहा हूं, आप सामने खड़े हो, क्या दोबारा ऐसा अवसर थोड़े ही मिलेगा? न ये मृत्यु मिलेगी। देखो, हमें मृत्यु मारती है संसार में, आत्मा कभी नहीं मरती, ये सब जानो। कथा हमें क्या सिखाती है? मृत्यु के भय से मुक्त कर देती है। मृत्यु तो निश्चित आएगी, लेकिन जो डरता है उसकी मृत्यु अमंगलकारी होती है, और जो कथा सुन लेता है वो मृत्यु को भी मंगलकारी बना के कहता है, आ हम तैयार बैठे हैं। वो मृत्यु से डरता नहीं है, इसीलिए महापुरुषों के मरने को महाप्रयाण कहते हैं। संसारी मरता है तो उसे मृत्यु कहते हैं, क्योंकि वो मृत्यु से डरता है। और महापुरुष कहते हैं आजा तैयार बैठे। तो बाली कहता है कि जीवन ऐसे से ये मृत्यु अच्छी कि आप सामने खड़े। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, दहि बाह सुर नर नाह आपन दाशु अंगद कीजिए। दाख अंगद कीजिए, दाख अंगद कीजिए। महाराज मैं तो आपकी भक्ति नहीं कर सका, पर बिना भक्ति किए आप मुझे मुक्ति दे रहे हैं, उसका बदला ये है कि ये अंगद आज से आपका दास है, इसे अपनी शरण में रखिए। और अंगद का हाथ ठाकुर जी के हाथ में दे करके बाली ने प्राण त्याग दिए। भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया, अंगद जी को युवराज बनाया, और बोले ग्रीष्म ऋतु समाप्त होके वर्षा ऋतु आ गई, हम प्रवर्षणगिर पर्वत पर निवास करते हैं। तो राज्य सुख मिलते ही सुग्रीव जी भी हमारी आपकी तरह राम कार्य को भूल गए। अब तो दो पत्नी मिल गई, आराम से रह रहे थे, मधुपान कर रहे थे, कब वर्षा ऋतु बीत गई पता ही नहीं लगा। परंतु संत हनुमान जी जग रहे थे, हनुमान जी ने देखा वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, और सुग्रीव जी ने राम कार्य विसार ही दिया। और जानते नहीं है कि राजा के हृदय में चारों नीति निवास करती हैं, साम दाम दंड और भेद। राम जी ने बाली का वध करके सुग्रीव को राजा बनाया है, पर सुग्रीव भूल गया कि सुग्रीव को मार करके अंगद जी भी राजा बन सकते हैं। और जिस बाण से बाली को मारा वही बाण राम जी के तरकश में है। देखो राम जी की एक विशेषता है, अभी तक साइंस में ऐसा कोई हथियार नहीं बना है, बड़ी स्किट मिसाइलें बन गई, दुनिया भर बन गई, पर राम जी के बाण जैसा आयुध कोई नहीं बना। हाँ थोड़ा सा सो लीजिए, कोई बात नहीं, जैसी तरह
राम जी के तरकश में एक बाण था और जब राम जी उसे हाथ में लेते तो 10 हो जाता था। धनुष पर रखने के बाद 100, प्रत्यंचा खींचने के साथ 1000, छोड़ने के साथ 1,00,000 और करोड़ को मार के फिर एक वापस तरकस में आ जाता था। आज मिसाइल जाती तो है पर लौट के नहीं आती है।